ਲੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਲ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਤੋ ਆਜ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਈਟ ਕੁਰਤਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਾਥ ਬਲੈਕ ਕੋਟ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਈਓ ਤੇ ਰੈਡੀ। रेडी होते होते आपके भाई के कुर्ते का बटन भाई साहब टूट गया था, फिर दोबारा सिलवाया और साहब बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सच बताऊं तो आपका भाई बन रहा था भाई साहब पूरा पूरा मुर्तसिम। हमने कहा भाई साहब शादी में जाना तो बन के मुर्तसिम जाना, तो आपके भाई ने कोट पैंट पहन लिया और कोट पहनने के बाद मुझे याद नहीं रहा कि भाई मेरी एक चीज रह गई है, वो थी मेरी अंगूठी। तो मैं कहा चलो जी एनू भी पालो और आपका भाई हो गया वधिया। फिर आपके भाई ने बैठी रोलेक्स की घड़ी पूरे 1,20,000 रुपए से 2-0 निकालने के बाद। और यहाँ पे ये रानी मुखर साहब तैयार बैठे हुए थे और फिर मैंने मम्मा से पैसे लेके इसमें पैसे डाल दिए। और ये था क्लब जहाँ पे हमारा इवेंट शिवेंट होना था, तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे। डिजाइन इनका पूरा लुटेरों वाला था, चेक करें। यहाँ पे कश्ती भी पड़ी हुई थी जिसको मैंने पूरी पूरी साइडों से व्यू लेने की कोशिश की है। और ये था इसका बाहर से व्यू जो बहुत ही स्नैक्सी किस्म का था, जहाँ मेरा दिल करता फोटो लेने का, मेरे साथ कोई था नहीं और आपका भाई यहाँ पे बिल्कुल अकेला था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा शुगर शुगर स्टार्ट हुआ जिसको हमारी पंजाबी जबान में कहते हैं नचना गाना। शीए मेन्यू में थे भटूरे जिसकी आपका भाई वीडियो नहीं बना सका, और मीठे में था कुल्फा। और जिस तरह वीडियो हो रही है इसी तरह मेरा दिल दिल कर रहा है धक धक धक। फिर हम लोग घर आ गए और घर में थी मेरे पास मानो जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर मैंने पकड़ा हादी को जो मेरे से नाराज हो गया क्योंकि मैं इसको शादी में नहीं लेके गया था और ये तैयार हो गया था और मैं इसको घर ही छोड़ गया हुआ था। फिर आपके भाई के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गई थी, तो मैंने सोचा वो लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, आई होप मजा आया होगा।